गाइस, व्हाइट स्पाइडर किट के तीन भाइयों को रैटल किडनैप कर लेता है। इसी वजह से वो अपनी इवोल्यूशन को आगे बढ़ाता है, जिससे कि व्हाइट स्पाइडरमैन इतना पावरफुल बन जाए कि वो अपने तीनों भाइयों को रेड हल्क से छुड़ा ले। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो रेड हल्क के पास जाता है अपने भाई को छुड़ाने, रेड हल्क उसको पीट कर भगा देता है। लेकिन तब भी व्हाइट स्पाइडरमैन हार नहीं मानता और वो अपना बेस्ट स्ट्राइक करता है गॉड व्हाइट स्पाइडरमैन बनने का और अपने भाइयों को बचाने का। जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। अरे मेरे भाइयों, तुम सब तो यार इतने सुपर पावर, मेरे पास तो पावर ही नहीं आई है। कहने को मैं तुम सबसे बड़ा हूँ और मैं व्हाइट स्पाइडर किड हूँ, लेकिन मेरे पास पावर क्यों नहीं है? हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं, आपके पास तो पावर ही नहीं है। मैं हूँ पिंक स्पाइडरमैन, और भैया मैं हूँ ब्लू स्पाइडरमैन, और भैया मैं हूँ ग्रीन स्पाइडरमैन। हाँ यार, काश मेरे पास भी पावर्स होती। हाँ भैया देखो, मैं आपको अपनी पावर से दिखाता हूँ। ये ऐसे करके मैं ना स्विंग कर सकता हूँ और मैं उल सकता हूँ ऐसे ऐसे करके। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी पावर। हाँ यार, तेरे पास बहुत ही अच्छी पावर है यार छोटे पिंक स्पाइडर किड। भाई तू बहुत ही ऑसम है। हाँ भैया, मैं भी दिखाऊं आपको अपनी पावर। हाँ भाई ब्लू स्पाइडर किड, तू भी दिखा। अरे सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, मैं हूँ ग्रीन स्पाइडर किड। देखिए व्हाइट स्पाइडर किड भैया, मेरे पास कितनी प्यारी पावर है। अरे वाह यार, तूने तो हमारे ब्लू स्पाइडर किड को ही पीट दिया। अरे गलती से हो गया भैया। अरे माफ कर दीजिए, वो गलती से पीट दिया उसको। अरे आप सब भी गिर गए क्या? अरे भैया मैं डाटा हूँ, मैं अपनी पावर दिखाता हूँ आपको। मैं भी बहुत ही थाइट स्पाइडर मैन हूँ, मैं हूँ ब्लू स्पाइडर मैन। गाइस यहाँ पर ना मेरे सारे भाइयों पे बहुत अच्छी अच्छी पावर्स है स्पाइडर मैन की। देखिए वो कैसे बुरे लोगों को पीट रहा है और अच्छी मैम को बचा रहा है। और गाइस मैं हूँ व्हाइट स्पाइडर मैन। अरे भैया आप भी ट्राई कीजिए ना, कापट आपके पार्ट भी पावर हो। हाँ ठीक है भाई, मैं भी ट्राई करता हूँ। दोस्तों मैं हूँ व्हाइट स्पाइडर किड, इन तीनों भाइयों का सबसे बड़ा भाई, मतलब हम चार भाई हैं और मेरे पास पावर ही नहीं है। शायद कुछ टाइम बाद पावर्स आ जाएं। गाइस हम अनाथ बच्चे, हमारे मम्मी पापा कौन है हम नहीं जानते, लेकिन दोस्तों हम साथ रहते हैं बचपन से। काश मेरे पास भी पावर होती, काश मैं भी अपने भाइयों की तरह इतना कूल और ऑसम होता। एक तो गाइस मैं ना एकदम वाइट हूँ, मेरे पास कोई कलर नहीं है। और तो ये बात है, ये वाइट वाला जो स्पाइडर किड है इसके पास पावर नहीं है, लेकिन ये तीन बच्चों के पास पावर है। मतलब इन तीन बच्चों को मैं उठाकर बेच दूंगा। और इस व्हाइट स्पाइडर किड का मेरा कोई काम नहीं है। अरे मेरे भाइयों को छोड़, ये छोड़। अरे बाप रे, प्लीज मैं इनके बिना नहीं रह सकता। चल रहा है, मुझे तेरा कोई काम नहीं है, तू बहुत ही नूब है, तेरे पास कोई पावर नहीं है। गाइस प्लीज हेल्प मी, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे मेरे अंदर पावर आ जाए और मैं अपने भाइयों को बचा लूं। भैया बताइए हमको। मुझे माफ कर दो मेरे भाइयों, मेरे पास कोई पावर नहीं है, इसलिए मुझे नहीं ले जा रहा, आप लोगों को ले जा रहा है। अरे भैया हमको बताओ, भैया हमको बता लो, भैया हमें बचा लो भैया, व्हाइट स्पाइडर किड भैया। अरे नहीं गाइस, वो मेरे भाइयों को किडनैप करके ले गया रेडल, क्योंकि मेरे भाइयों पे पावर्स थी और मुझ पर नहीं थी। ये तो बहुत ही गलत हुआ दोस्तों, काश मेरे पास पावर होती और मैं उन सब में सबसे बड़ा भाई हूँ। मैं अपने भाइयों को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। गाइस मुझे पावर्स चाहिए दोस्तों, मुझे आज किसी भी हालत में पावर्स जागृत करनी होंगी अपने अंदर, जिससे कि दोस्तों मैं रेडल को पीट कर और अपने भाइयों को बचा लूँ। गाइस मैंने सुना है यहाँ पर एक बहुत ही महान स्पाइडरमैन रहते हैं, देखिए वो रे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो एक बॉम्ब के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अरे बच्चे तुम यहाँ कहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे सर असल में मुझे आपसे कुछ पावर्स लेनी है, मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे बनना है इस दुनिया का व्हाइट गॉड स्पाइडरमैन। अरे बच्चे, लेकिन तुम व्हाइट गॉड स्पाइडरमैन क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे तीन भाइयों को रेड हल्क ने किडनैप कर लिया, क्योंकि उनके पास पावर्स थी और मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं बहुत ही नूब हूँ। ऐसी बात है क्या बच्चे? तो ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और इस दुनिया का एक ना एक दिन व्हाइट गॉड स्पाइडरमैन बना दूंगा, उसके बाद तुम अपने भाई को बचा सकते हो। बिल्कुल सर, मैं अपने भाइयों को जरूर बचाऊंगा, पता नहीं मेरे भाई मेरे बिना कैसे रहेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आ जाओ बच्चे, देखो यहाँ पर मैंने जमीन पे कुछ बॉम्ब्स बिछा रखे हैं, तो तुम्हें इन बॉम्ब से बचते हुए आगे की तरफ जाना होगा। ये तुम्हारा पहला टास्क है, जैसे ही तुम बॉम्ब से बचते हुए आगे की तरफ जाओगे, यहाँ एंड में मिलेगा तुम्हें खाना, क्योंकि तुम काफी दिन से भूखे भी होगे। बिल्कुल सर, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। तो ठीक है बच्चे, जल्दी से मेरे पास आओ। गाइस मेरे पास एक मिनट है, मुझे उस खाने तक पहुंचना होगा, ये मेरा पहला टास्क है। मैंने अगर गलती से भी अरे गाइस मेरे पास तो शक्ति नहीं है, ये बॉम्ब तो मुझे खत्म कर देंगे। बच्चे नहीं, तुम मर नहीं सकते, अपना बेस्ट ट्राई करो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट। अरे नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी पापा जी, गाइस शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे अपने भाइयों के लिए करना
करना होगा। मेरे भाइयों को देखिए, रेडल कैसे ले गया था किडनैप करके। भैया बचा लीजिए। तीनों भाइयों को अपने पास रखूंगा, गुलाम बनाऊंगा या बेच दूंगा। नहीं, मैं अपने भाइयों को बचा के रहूंगा गाइस, किसी भी हालत में। दोस्तों देखिए, मैं वापस से आ गया हूँ ट्रैक पर। बिल्कुल बच्चे, तुम कर सकते हो, प्लीज करो जल्दी से। अरे गाइस, ये बॉम्ब बहुत बुरी तरह से फट रहा है, मेरे पास सिर्फ 9 सेकंड है। नहीं, कमोन, मुझे करना पड़ेगा जल्दी से किसी भी हालत में। और गाइस, यस, मैं फाइनली पहुंच गया। गाइस, मैंने करके दिखा दिया पहला वाला टास्क। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। चलो अब जल्दी से पे फल वल खा लेता हूं, जिससे कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी हो जाए। मेरे बच्चे, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, तुम्हें असल में अपनी और ज्यादा ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना होगा, इसलिए हम तुम्हारा दूसरा टास्क अभी कभी स्टार्ट करेंगे। ओ ऐसा, ठीक है सर, मैं तैयार हूं। गाइस, वैसे तो मेरी हालत खराब हुई है, लेकिन मुझे अपने तीनों भाइयों को बचाने के लिए दूसरा टेस्ट भी करना होगा। तो सुनो बच्चे, यहां पर है बहुत ही खतरनाक कांटे और साथ साथ में आग लगी हुई है, तुम्हें असल में यहां पर भी सर्वाइव करना होगा कम से कम 30 सेकंड, और अगर तुमने सर्वाइव कर लिया तो यहां पर तुम बन जाओ प्रो व्हाइट स्पाइडरमैन। उसके बाद तुम बनोगे एक समय पर गॉड व्हाइट स्पाइडरमैन। ठीक है सर, मैं समझ गया। गाइस, अपने भाइयों को बचाने के लिए इस आग में भी मैं सरवाइव कर लूंगा। अरे बाप रे गाइस, मुझे 30 सेकंड किसी भी हालत में सरवाइव करना होगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड है। मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही है, मैं बहुत बुरी तरह से चल रहा हूं। गाइस, लेकिन मैं जीत रहा हूं किसी भी हालत में। गाइस, अगर आप चाहते हैं मैं जीत जाऊं तो प्लीज कमेंट में व्हाइट स्पाइडरमैन ओपी जरूर लिखना। दोस्तों बस 10 सेकंड और, कम ऑन गाइस, जल्दी से व्हाइट स्पाइडरमैन ओपी लिखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अरे नहीं, अरे यस गाइस, हमने यहां पर सरवाइव कर लिए पूरे 30 सेकंड और हम जिंदा होकर वापस भी निकल आए, वो भी दूसरी साइड से। हे गाइस, आई डिड इट, चलो जल्दी से चलते हैं सर के पास। सर, सर मैंने कर दिया। बहुत ही बढ़िया बच्चे, सर अब मुझे जाना होगा अपने भाइयों को बचाने। नहीं बच्चे, अभी तुम छोटे हो, कम से कम तुम्हें 20-22 साल तो रुकना होगा अपने भाइयों को बचाने के लिए। ओ ऐसा, ठीक है सर, मैं इतना समय इंतजार करूंगा और मैं डेली ट्रेनिंग करूंगा। बिल्कुल बच्चे, तुम्हें डेली ट्रेनिंग करनी ही होगी, तभी जाके तुम अपना बेस्ट दे पाओगे। तो गाइस, 23 साल हो चुके हैं और आज भी मैं अपने भाइयों को याद करके ट्रेनिंग कर रहा हूं लगातार। पता नहीं मेरे भाई किस हालत में होंगे उस रेडल के पास आज भी, पता नहीं गाइस मेरे भाई उसके पास होंगे भी या नहीं, क्या उन्होंने उसको बेच तो नहीं दिया। गाइस नहीं, मेरे भाई बिल्कुल ठीक होंगे और मैं उस रेडल को छोड़ूंगा नहीं। गाइस, अब मैं पहले से काफी बेटर व्हाइट स्पाइडरमैन बन चुका हूं और देखिए गाइस, अब मैं यहां पर फुल तरीके से अपने स्विंग्स का यूज करके आगे जा रहा हूं और मैं अब अपने भाइयों को बचाने के लिए सीधा जा रहा हूं उस खतरनाक रेडल के पास। गाइस, मैंने सुना है वो माउंट चिलियार्ड पे रहता है। एक मिनट, ये क्या? अरे भैया आप आ गए। ओ एक मिनट गाइस, मेरे भाई तो ये रहे। अरे भाई हमको बचाओ। अरे गाइस यार, मेरे भाइयों को बिजली से इसने पूरी तरह से कैद कर रखा है। भाइयों, मैं तुमको बचा लूंगा। हां भाई बचा लो हमको। हां भाई बचा लो यार हमको। गाइस मेरे तीनों भाई ये रहे, इन्होंने मुझे पहचान लिया। हे गाइस देखो, मेरे पास अब पावर्स भी आ गई। अरे वाह भैया, आपके पास पावर्स भी आ गई। बिल्कुल, मेरे पास पावर्स आ गई छोटे। तो गाइस, यहां पर मुझे अपने भाई पिंक स्पाइडरमैन, ग्रीन स्पाइडरमैन और ब्लू स्पाइडरमैन को बचाना होगा इस खतरनाक रेड हल्क से। अरे तू तो वही व्हाइट स्पाइडरमैन है जिसके पास पावर नहीं थी, तेरे पास पावर कहां से आई? मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की तुझे हराने के लिए और आज फाइनली मैं अपने भाइयों को छुड़ाने आ गया हूं तेरे पास से। तेरे मस्की नहीं है समझा कीड़ा, तू मर जाएगा मुझसे लड़ता लड़ता ही। बकवास बंद करो, मेरे भाइयों को छोड़ दे, नहीं तो ये खत्म कर दूंगा। अच्छा लड़ मुझसे। अरे तुझ में कोई पावर वावर नहीं है, तेरे 20-22 साल खराब गए। नहीं ऐसा मत कह प्लीज, मैंने रात दिन ट्रेनिंग की अपने भाइयों को बचाने के। ए हमारे भैया को छोड़। हमारा भैया को छोड़ दे। क्यों छोड़ू तेरे भाई को, ये नूब है और तुम लोग मेरे काम के हो। मजा ही आ गया उसको पीट कर, अब के बाद वो कभी भी नहीं बचेगा। अरे नहीं गाइस, अरे नहीं, कैसे हार गया मैं उससे? वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया गाइस, पहले तो वो नॉर्मल सा रेडल था, अब तो वो रेड रिवेंजर रेडल बन चुका है। नहीं गाइस, मुझे अपने भाइयों को बचाना होगा। मेरे भाई क्या सोचेंगे कि मैं उनका बड़ा भाई होकर भी उनको नहीं बचा पा रहा हूं? नहीं दोस्तों, मुझे किसी भी हालत में और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा जिससे कि मैं उस रेड रिवेंजर से लड़ पाऊं। दोस्तों हमें अपने टीचर के पास वापस जाना पड़ेगा और उनसे एक स्पेशल ट्रेनिंग की मांग करनी होगी। सर मेरी बात सुनिए। क्या हो क्या बच्चे, इतनी हरी थके कैसे आ रहे हो? सर असल में मैं अपने भाइयों को बचाने गया था। अरे बच्चे, तुम्हें मुझे बताना
बचे था। मैंने सोचा था मैं आपको सरप्राइज दूंगा, लेकिन वो रेड हल्क बहुत पावरफुल हो गया है। प्लीज प्लीज मुझे इतना पावरफुल बना दीजिए जिससे कि मैं उसको हरा दूं। बच्चों उसके लिए तुम्हें व्हाइट गॉड स्पाइडरमैन की स्पेशल ट्रेनिंग करनी होगी जिससे कि तुम अपने भाइयों को बचा लो और साथ साथ में तुम व्हाइट गॉड स्पाइडरमैन बन जाओ। तो ठीक है सर, मैं आज से ही शुरू कर दूंगा इस बात को। तो दोस्तों आज से ही मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है और रात और दिन बिना रुके मैं यहाँ पर एक्सरसाइज ही करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए गाइस यहाँ पे रात और दिन कितनी तेजी से जा रहा है, लेकिन गाइस मैं यहाँ पे बिना रुके बिना थके एक्सरसाइज किए जा रहा हूँ। बिल्कुल बच्चे लगे रहो, ये तो भी शुरुआत है, आने वाले न जाने कितने सालों तक तुम इसी तरह से ट्रेनिंग करते रहोगे। बिल्कुल सर मैं तैयार हूँ, मैं बिना रुके और बिना थके ट्रेनिंग करता ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिन गुजर गए और अभी भी मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ और करते ही जा रहा हूँ। फाइनली गाइस 71 साल हो चुके हैं। बिल्कुल बच्चे मेरे हिसाब से शायद अब तुम तैयार हो, क्योंकि अब देखो तुम्हारे पास टेंटिकल्स भी आ चुके हैं। हाँ गाइस, पहले तो मैं कभी नॉर्मल सा व्हाइट स्पाइडरमैन हुआ करता था, अब मैं व्हाइट गॉड स्पाइडरमैन बन चुका हूँ। और गाइस ये देखिए मेरी पावर्स को, अब मैं सिर्फ स्विंग ही नहीं मैं उड़ भी सकता हूँ, क्योंकि मैं बन गया हूँ दी वन एंड ओनली व्हाइट गॉड स्पाइडरमैन। और मेरा रूप अगर आपको ये वाला अच्छा लग रहा है तो प्लीज कॉमेंट में यस जरूर लिखना। और तू वापस आ गया, अरे ये क्या, मैंने सोचा था तू मर गया होगा। अरे वाह हमारा भाई कितना औसम लग रहा है। हाँ गाइस मैं बहुत ही औसम लग रहा हूँ। अरे वाह भाई आप तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और तू कैसा भी बन जा, मैं हूँ रेड रिवेंजर, चाहे अगले 100 साल या 200 साल या 1000 साल भी ट्रेनिंग करेगा तो भी तेरे भाई मेरे पास से नहीं जाएंगे। तुझे पता भी है उनकी मदद से मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। अच्छा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने भाइयों को बचाने आया हूँ। सबसे पहले गाइस मुझे अपने भाइयों को छुड़ाना होगा इस जाल से। चलो मेरे भाइयों साथ मिलके इस रेड रिवेंजर को सबक सिखाते हैं। बिल्कुल भाई हम साथ में मारेंगे इसको मिलके। हाँ भैया साथ में मिलके मारेंगे। तो गाइस मैं और मेरे भाई आज इस रेड रिवेंजर की बैंड बजाने वाला है, तुम सारों को मैं अकेला खत्म कर दूंगा, मैं बहुत खतरनाक हूँ। चलो अरे आ जाओ लड़ो मुझसे। अरे यार गाइस बहुत हुआ, हम चारों भाई मिलके इसको किस तरह से मार रहे हैं देखिए। गाइस अगर आप चाहते हैं हम जीते तो प्लीज कमेंट में स्पाइडरमैन ओपी जरूर लिखना। हाँ गाइस स्पाइडरमैन ओपी लिखो। हाँ गाइस जल्दी लिख दो प्लीज। तो गाइस यहाँ पर हम सारे भाई मिलके इस अकेले रेड हल्क की बैंड बजा रहे हैं, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, नहीं छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ेंगे। तो गाइस फाइनली हमने रेड हल्क को खत्म कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जोड़ी अच्छी लगी तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।